हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ क्लास सिक्स का चैप्टर वन, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ रैम, व्हाट इज़ रोम, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, व्हाट इज़ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग सिस्टम, व्हाट इज़ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, व्हाट इज़ CU, व्हाट इज़ ALU। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इन सभी टॉपिक पे जाने से पहले हम ये सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या होता है। तो बच्चों, आप सब पहले से ही जानते होंगे, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन, यानी कि हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। और इसके आगे हम देखते हैं डेट स्टोर्स एंड प्रोसेसेस डिजिटल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो कि स्टोर करता है और प्रोसेस करता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को, यानी कि डिजिटल सूचना को ये प्रोसेस करता है, मैनिपुलेट करता है। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे कंप्यूटर टेक्स इनपुट एज डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, यानी कि हमारा कंप्यूटर इनपुट लेता है कहाँ से, इनपुट डिवाइसेस से। हमारे कंप्यूटर में कोई भी डेटा हम इनपुट देंगे, या तो हम कीबोर्ड से देंगे, या फिर माउस से देंगे, या फिर वॉइस से देंगे। तो हमारे ये सब जो डिवाइसेस है, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और शायद आप सब इन सभी के बारे में पहले से फैमिलियर होंगे। अगर आप फैमिलियर नहीं होंगे, मैं किसी अगले वीडियो में आपको इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ ब्रीफ करूँगा। तो बच्चों, आगे है प्रोसेसिंग इज डन बाई CPU विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवेन बाई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यानी कि जो हमारा प्रोसेसिंग होता है वो CPU के द्वारा होता है। और इंस्ट्रक्शन हमें कौन देता है CPU को, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, यानी कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारे CPU को। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एज आउटपुट यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि इंफॉर्मेशन हमें कैसे प्रोवाइड होता है, आउटपुट डिवाइसेस के यूज़ से। जैसे कि कोई हम एक पेज को प्रिंट करना चाहते हैं और कोई हमें इंफॉर्मेशन लिखे हैं, उसको हम किसी दूसरे आदमी को देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रिंटर का यूज करेंगे और उस पेज को प्रिंट करेंगे। तो हमारा प्रिंटर क्या होगा, हमारा प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपके पास आउटपुट प्रोवाइड कराएगा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, वर्ड्स, इमेजेस, साउंड, etc। जैसा कि आगे लिखा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर, वर्ड्स, इमेजेस, साउंड, etc। यानी कि नंबर में भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ सकता है, वर्ड्स में भी आ सकता है, इमेजेस में भी आ सकता है और साउंड्स में भी आ सकता है। इन सभी चीज़ों में आपके पास इन्फॉर्मेशन आ सकता है। तो आइए बच्चों, थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। अ कंप्यूटर टेक्स इनपुट, यानी कि टेक्स इनपुट का मतलब होता है इनपुट लेता है। किससे इनपुट लेगा, इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट देगा कौन, हमारा कंप्यूटर का यूजर, यानी कि हम, आप या जो कंप्यूटर चलाएंगे वो इनपुट देंगे। नेक्स्ट है प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ये प्रोसेस कैसे करता है, गिवन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब सॉफ्टवेयर जो इसको इंस्ट्रक्ट करेगा इसके साथ क्या परफॉर्म करना है। जैसे हमें कैसे पता होता है कि मैथमेटिक्स का दो नंबर आपको दे दिया जाता है, अगर आपको ये नहीं बताया जाए कि इस नंबर के साथ क्या करना है, तो आप क्या उसके साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कर सकते हैं, नहीं बच्चों, नहीं कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन हमें टीचर्स देते हैं कि बच्चों, इस नंबर के साथ आपको एडिशन करना है, इस नंबर के साथ सब्सट्रैक्शन करना है, इस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमारा सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है उस इनपुटेड डेटा को, यानी कि जो डेटा हम इनपुट लिए हैं उस डेटा के ऊपर क्या ऑपरेशन करना है, यानी कि क्या काम उस डेटा का करना है, उस डेटा के ऊपर क्या परफॉर्म करना है, क्या करवाना है उस डेटा से। नेक्स्ट हमारा है प्रोड्यूस आउटपुट, दस अ कंप्यूटर फॉलोज अ साइकिल नोन एज इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और IPO साइकिल। यानी कि हमारा आउटपुट तभी प्रोड्यूस होता है जब हमारा कंप्यूटर फॉलो क्या करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, जिसको हम लोग IPO साइकिल बोलते हैं, जो कि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे IPO साइकिल क्या होता है। मैं थोड़ा सा IPO साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा और आपके इमेज में क्लियरली ये दिख रहा होगा कि IPO साइकिल कैसे काम करता है। जैसे कि आपके पास सबसे पहला इमेज दिख रहा होगा कीबोर्ड का, देन नेक्स्ट इमेज आपको दिख रहा होगा CPU का, देन नेक्स्ट इमेज हमारे पास है मॉनिटर का। तो इनपुट हमारा कहाँ से जाएगा, कीबोर्ड के थ्रू हमारा इनपुट जाएगा, देन हमारा CPU क्या करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कौन सा डिवाइसेस है, CPU, देन नेक्स्ट हमारे पास है मॉनिटर।
मॉनिटर हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट, जिसको कि हम लोग इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो हमारा आईपीयू साइकिल कुछ इस तरह से ही काम करता है। बच्चों, आप सबसे उम्मीद है कि ये आईपीयू साइकिल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो सेंड होने के बाद आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं। यहाँ देखते हैं, द रॉ इनपुट इज कॉल्ड डेटा, यानी कि रॉ इनपुट हमारा एक डेटा होता है। रॉ इनपुट कहने का मतलब क्या है कि जो डेटा हमारे पास अनऑर्डर्ड से है, यानी कि हमारे पास कोई ऑर्डर में डेटा नहीं है, ऐसे ही अनअरेंज डेटा है हमारे पास, ऐसा ही कुछ डेटा फेंका हुआ है, ऐसा ही हमारे पास बुक्स, सारे बुक्स एक साथ मिक्स हैं, वो हम उसको क्या बोलेंगे, अनअरेंज बोलेंगे। वह अनअरेंज चीज़ को हम लोग डेटा बोलेंगे, यानी कि रॉ बोलेंगे। रॉ मटेरियल हम लोग कैसे बोलते हैं, यानी कि कोई चीज़ बनाने के लिए, कोई मटेरियल बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले रॉ की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें रोटी अगर बनाना हो तो हमें सबसे पहले आटे की ज़रूरत होगी, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में कुछ डेटा के ऊपर प्रोसेस करना होता है तो हमारे पास कुछ डेटा की ज़रूरत होगी। किसी काम को करवाना होगा तो हमको डेटा की ज़रूरत होगी, तो वो डेटा क्या होगा, रॉ डेटा होगा, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, मिक्स इन्फॉर्मेशन होगा। और आगे के लाइन में देखते हैं, दिस डेटा विच डज नॉट मेक्स मच सेंस बाय इटसेल्फ इज प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, यानी कि ये डेटा कोई सेंस नहीं निकालता होगा, रॉ डेटा का भी सेंस नहीं निकालेगा, क्योंकि वो अनऑर्डर्ड डेटा होता है। अनऑर्डर्ड डेटा एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, यानी कि आप जैसे कि क्लास 5 से 6 में जा रहे हो बच्चों, तो क्लास 5 से पहले के जितने भी आपके बुक्स होंगे या क्लास 6 के भी जितने बुक्स हैं, क्या सभी बुक को एक साथ रख देंगे, तो वो एक तरह का डेटा तो नहीं हो पाएगा, कंप्यूटर का डेटा तो नहीं निकल पाएगा। वो कंप्यूटर का डेटा होने के लिए आपके पास क्लास 1 से लेकर के 6 तक का सारा बुक एक साथ अगर आप रखेंगे तब वो एक मीनिंगफुल डेटा होगा, यानी कि उस डेटा का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो इस डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, मीनिंगफुल डेटा को हम लोग हमेशा इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, लेकिन हमारा कंप्यूटर हमेशा एक्सेप्ट करता है वैसे डेटा को जिसका कोई मीनिंग ना निकलता हो, यानी कि वो डेटा का कोई मीनिंग ना हो, और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको हमें इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोवाइड कराता है। हमारा अगला लाइन यही कहता है, दिस यूजफुल डेटा ऑब्टेंड आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये यूजफुल डेटा तब हमारे पास इन्फॉर्मेशन में आता है जब ये प्रोसेस होके बाहर आता है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज हमारा है कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, अभी मैंने बताया था, कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारा कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर को भी रखता है और सॉफ्टवेयर को भी रखता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ज़रूरत होती है हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर की। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ हार्डवेयर ही हो और सॉफ्टवेयर ना हो, वो एक डब्बे के समान हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इन जनरल हार्डवेयर इज़ द फिजिकल, फिजिकल का मतलब बच्चों क्या होता है कि यानी कि जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, वो हमारा फिजिकल है। ठीक है, तो इन जनरल हार्डवेयर इज़ द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, यानी कि ये फिजिकल कैसा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल दोनों हो सकता है। एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन, यानी कि जिसको देखा जाए। मैंने अभी बताया कि एक हार्डवेयर वैसा चीज़ होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है, जिसे आप छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, जो सॉफ्टवेयर वैसा होगा जो इनविजिबल होगा, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बस सिर्फ यूज कर सकते हैं, जो हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। हमारा सॉफ्टवेयर बच्चों हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो हमारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल करे। अगर आगे के लाइन में है, योर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इज़ अ सॉफ्टवेयर, यानी कि आपके पास जो कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसको हम लोग विंडोज बोलते हैं, आपके पास अलग अलग तरह के विंडोज के वर्जन हो सकते हैं, जैसे आपके पास विंडोज 7 हो सकते हैं, विंडोज 10 हो सकते हैं, विंडोज 8 हो सकते हैं, 8.1 हो सकते हैं, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर कंटेन्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे कंप्यूटर में कुछ मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं ये हमेशा होने ही चाहिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, वो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कि हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में सीपीयू भी बोलते हैं, हम लोग सीपीयू के नाम से इसको जानते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि रैम और रोम। रैम और रोम क्या होता है इसके बारे में मैं
आगे की क्लास में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट हमारा है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कुछ एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर्स, ये सब हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं बच्चे। तो बच्चों आपके स्क्रीन के आगे एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें हमारा फुल्ली कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर दिख रहा होगा। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सीपीयू की तरफ से। हमारा सीपीयू दिखने में कुछ इस तरह का दिखता है, जहाँ हमारे माउस का पॉइंटर दिख रहा होगा अभी आपकी स्क्रीन पे, ये हमारा सीपीयू है। देन हमारे कंप्यूटर सिस्टम के नीचे में हमारा एक कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड जैसा कि आप सब जानते होंगे इनपुट डिवाइसेस है और यूजर उससे डेटा इनपुट लेता है। और आपके आगे एक स्क्रीन दिखता है, वो स्क्रीन हमें हमेशा मॉनिटर के नाम से जाना जाता है। और बच्चे हमारे साइड में स्पीकर भी है, ये भी हमारे आउटपुट डिवाइस में काम आते हैं। देन नेक्स्ट हमारा माइक्रोफोन है, जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में माइक भी बोलते हैं बच्चों, वो हमारा माइक्रोफोन का काम होता है कोई भी वॉयस इनपुट हमारे कंप्यूटर में देने के लिए। देन नेक्स्ट हमारा है माउस। बच्चों आप सब माउस बिल्कुल देखे होंगे, माउस का काम होता है कंप्यूटर में ऑप्टिकल डिवाइस का काम करता है, पॉइंटिंग डिवाइस का काम करता है और साथ में इनपुट डिवाइस का भी काम करता है। और माउस को यूज करने के लिए हमें एक माउस पैड की ज़रूरत होती है, जो जिसके ऊपर माउस रख के हम लोग माउस को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बच्चों इन सारे चीज़ को हम लोग डीपली देखते हैं अगले क्लास में। हमारा सीपीयू क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होगा, इसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये सब क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर इस क्लास में अगर आपको कोई परेशानी हुई होगी और कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा, तो इस वीडियो देखने के बाद आप तुरंत हमें मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे और हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। और इस चैप्टर का नोट्स मैं इस चैप्टर समाप्त होने के जस्ट बाद आपको एक वीडियो के थ्रू या फिर एक फाइल के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे बच्चे। चलिए बच्चों, थैंक यू। आज के वीडियो के लिए इतना ही।